सिंगरौली जिले में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले फोर्टिफाइड चावल वितरण कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ जिले के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह के द्वारा अटल सामुदायिक भवन बिलोजी में सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। इस अवसर पर विधायकगण रामलल्लू वैश्य, अमर सिंह, सुभाष रामचरित्र वर्मा, तरुण पिथोरे, प्रबंध संचालक दीपक सक्सेना, निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह और आदि कई लोग रहे। पाया गया सिंगरौली तो इसको दूर करने के लिए एक फोर्टिफाइड ड्राइव है आज यहाँ वितरण कर रहे हैं ताकि इस बीमारी से शुभारंभ हो सके। तो आज सिंगरौली से शुभारंभ किया गया है, इस संकट पर भिंड और अनुपूर्ण करेंगे और जहाँ जहाँ भी ये बीमारी ज्यादा है वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पूछ चुकी उनको चलाना है तो कई बार उसके सवाल खड़े होते हैं, कई बार आप भी जानते हैं कि सही तरीके से वितरण नहीं होता, उसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी अलग से कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हमको अभी 106 दुकानों में शिकायत मिली, हमने सबको प्रकरण पंजीबद्ध किया और जेल भी भेजा। अगर सिंगरौली के विधायक सांसद बताएंगे कि दुकान में नहीं मिलता है तो तत्काल भी जेल जाएगा, चाहे कोई भी पर शिकायत होनी चाहिए। अभी आपने फसल वितरण एक चीज़ कही है कि जैसे जो खाद्यान्न का तेल है, तेल खाने वाला तेल भी हम उपलब्ध करवाएंगे, घर में राशन उपलब्ध करवाएंगे। हमारा स्कीम ये है कि जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ बच्चियाँ छोटे छोटे पढ़ते हैं वो आंगनबाड़ी वाले जहाँ पाए वहाँ से तेल खरीदते हैं, जहाँ पाए वो नमक खरीदते हैं, तो हम वहाँ भी 45 नमक देंगे और शुद्ध तेल कंपनी